नमस्कार, आज फिर हम एक आपके लिए एलजी का रेफ्रिजरेटर डबल डोर का हम आपके लिए लेकर आए हैं। उससे एक छोटा सा रिव्यू हम आपको करते हैं। तो आइए, ये अपना आ जाएगा 1 स्टार रेटिंग एलजी का रेफ्रिजरेटर, जो कि अगर लीटर की हम बात करें तो ये 260 लीटर कैपेसिटी का आएगा। और दूसरी बात करें तो ये कैपेसिटी 260 लीटर तो है ही, उसके बाद ये कलर भी काफ़ी अच्छा कलर आपको मिल जाएगा, जो कि एक ही कलर का है। उसके बाद आ जाएगा ये आपको मात्र 100 वोल्ट से चलेगा। उसके बाद ये आएगा ऊपर फ्रीजर आपका आ जाएगा, इसमें दो डोर होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला का अगर बात करें तो ऊपर वाला आपका फ्रीजर हो जाएगा, और नीचे वाला की अगर बात करें तो ये आपका रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। यानी आपको जो भी बर्फ़ जमाना है, जिस चीज़ में आप बर्फ़ जमाना चाहते हैं, वो आप इस वाले पोर्शन में काफ़ी आसानी से बर्फ़ को जमा सकते हैं। और जो नीचे वाले पोर्शन आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सामान को बस ठंडा करके रखना है, यानी बर्फ़ नहीं जमाना है, वैसा सामान को आप नीचे रख सकते हैं। स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जा रहा है। उसके बाद अगर हम दरवाजे में बात करें तो ये दरवाजे में अपना आ जाएगा, जिसमें आप 2 लीटर का बोतल काफ़ी आसानी से 3 या 4 रख सकते हैं। उसके बाद छोटा छोटा 2 बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप छोटा कोई भी आइटम आपके पास हो वो काफ़ी आसानी से आप इसी तरीके से इसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फ्रीज़र जोन की, जिसमें हम बर्फ़ जमाने की बात कर रहे थे, वो बर्फ़ जमाने का यहाँ पे आएगा। तो इसमें टेम्परेचर भी अपना यहाँ पे दिया गया है अंदर साइड में, जो टेम्परेचर भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर आपको जल्दबाजी में बर्फ़ जमाना है तो उसको टेम्परेचर को हाई कर दीजिए, अगर नॉर्मली तरीके से आपको जमाना है तो उसका टेम्परेचर को लो कर दीजिए। उसके बाद इसमें एक छोटा सा ये देता है एग ट्रे, ये देख सकते हैं आप, ये है एग ट्रे, जिसमें अंडा रखने के लिए भी कंपनी आपको ये दिया है, जिसमें हम लोग एग वगैरह काफ़ी आसानी से रख सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मली कहीं भी जगह पर रखेंगे तो वो गिर के टूट जाता है, तो इसमें काफ़ी आसानी से आप अंडे को रख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो 2 यहाँ पे और चीज़ दे रहा है, ये 2 आएगा, जो कि आप लोग इसके बारे में तो जानते ही हैं ये क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये बर्फ़ जमाने के लिए। आप किसी भी चीज़ का बर्फ़ जमा सकते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, या पानी हो गया, या और भी किसी चीज़ का बर्फ़ जमाना चाहते हैं तो इसमें आप इसमें डाल के आप इसमें ऐसे काफ़ी आसानी से इसको आप रख दीजिए और टेम्परेचर को हाई कर दीजिए, ताकि ये काफ़ी जल्दी आपको बर्फ़ को जमा के दे दे। उसके बाद नीचे अगर टेम्परेचर की बात करें तो नीचे में भी टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, जो कि टेम्परेचर को काफ़ी आसानी से जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर हाई पे चाहिए तो हाई, अगर नॉर्मल पे चाहिए तो नॉर्मल पे भी आप सेट कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे कंपनी ने एक लोगो भी लगा दिया है, जो कि आप यहाँ से मौसम के अनुसार आप जितना पे भी टेम्परेचर रखना चाहते हैं तो वो काफ़ी आसानी से यहाँ पे इसको देख के भी आप कर सकते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे सेट होता है 2, 3, 4 मैक्सिमम यहाँ पे चला जाता है, मिनिमम जो है वो आप इसको 1 पे भी कर सकते हैं या 0 पे भी आप कर सकते हैं। अगर इसका यूज़ नहीं है तो नॉर्मली आप इसको 0 पे भी रख सकते हैं। ये फ्रीज़र जोन का हो गया, जो कि हम लोग यहाँ पे बर्फ़ जमाएंगे। आप पे सेट करने के लिए बटन आ जाएगा, नॉर्मल नीचे में जो दिया हुआ है, नॉर्मली आप कोल्ड पे भी रख सकते हैं, अगर जल्दी में आपको ठंडा चाहिए तो कोल्डेस्ट पे भी आप इसको करके रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, या मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार भी उसको आप सेट करके रख सकते हैं इसी तरीके से। उसके बाद हम बात करें तो ये वेजिटेबल बॉक्स आ जाएगा, ये अपना वेजिटेबल बॉक्स आ जाएगा, जो कि काफ़ी बिग साइज में आपको वेजिटेबल बॉक्स देख, जो कि गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिन का जो है वो इसमें वेजिटेबल काफ़ी आसानी से हम इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए एलजी कंपनी का आएगा। दूसरा बात करें तो इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है, जिसपे कंपनी 10 साल की आपको वारंटी दे रही है। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसके टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अगर कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो 10 साल तक आपको बना के देगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का एक लोगो भी लगा है, जो कि 1 स्टार रेटिंग है। अगर 1 साल का पावर कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि
275 यूनिट आपका एक साल में ये कंज्यूम करेगा, वो भी आपके ऊपर निर्भर पड़ता है कि आप इसको 24 आवर चलाएंगे या कितना देर चलाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये पावर कंजम्पशन करेगा। कैपेसिटी यहाँ पे 260 लीटर हो जाएगा। उसके बाद एक और यहाँ पे लोग है जो कि वर्क विदाउट स्टेबलाइजर पे चलेगा, यानी आपको स्टेबलाइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है, जो 100 वोल्ट से 310 वोल्ट तक ये आपका काम करेगा। और आप सब जानते ही है कि LG जो है वो काफी बेस्ट ब्रांड है, और यहाँ पे जो है देखिए LG का नंबर वन ट्रस्टेड एंड डिजायर ब्रांड आ जाएगा आपको रेफ्रिजरेटर में, जो कि सबसे बेस्ट है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।